एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। फिल्म गदर 2 की सक्सेस एंजॉय करने के बाद सनी देओल इन दिनों अमेरिका में हैं। वे वहां फैमिली वेकेशन मना रहे हैं। इसी बीच एक्टर के अगले प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। चर्चा है कि गदर 2 की सक्सेस के बाद सनी को बॉलीवुड के कई जाने माने डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया है। हालांकि 65 की उम्र में हिंदी सिनेमा के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले सनी अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर काफी सोच विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल अपनी अगली फिल्म के लिए डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से बात कर रहे हैं। चर्चा ये भी है कि इस फिल्म को आमिर खान अपने बैनर तले प्रोड्यूस करेंगे। सनी और संतोषी इससे पहले साथ में घायल, घातक और दामिनी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि सनी ने डायरेक्टर जोड़ी अब्बास मस्तान के साथ एक फिल्म को लेकर मीटिंग की है। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका सनी ने अब तक सिर्फ आइडिया ही लिया है। वे जल्द ही इसका नरेशन भी लेंगे। डायरेक्टर डुओ अब्बास मस्तानी बाजीगर, सोल्जर और खिलाड़ी जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा सनी बॉर्डर फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता के साथ भी किसी फिल्म को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा थी कि ये बॉर्डर 2 पर इस पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।